पहाड़ी जबान में अपडेट सुनिए। मकबूजा जम्मू कश्मीर के उत्ते भारत के गासपाना कब्जे के खात्मे के वास्ते बरसारे पेकार कश्मीरी आवाम को मोदी हुकूमत की तरफ से पिछले 75 साल के सख्त इम्तियाजी सलूक और नाइंसाफी का सामना करना पै रहा है। मोदी नाम ने आज जमहूरियत की आड़ विच कश्मीरी आवाम का हर हक खस रहा है, जबकि मुतासर भारतीय अदलिया सुन भी कश्मीरी आवाम को कदे भी इंसाफ नहीं दिता। आलमी बरादरी की मुजरमाना खामोशी सिर्फ मोदी को कश्मीरी आवाम के खिलाफ मुनजम तरीके थी जुल्म और सितम विच वाधा की तरगीब दे रही है। अक्वामी तौर उत्ते तस्लीम किए हुए असूलों के मुताबिक मसले कश्मीर का हल मकबूजा जम्मू कश्मीर में खूनरेजी को खत्म करने का वायद रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती सुन आख्या है कि फस्ताई मोदी हुकूमत कश्मीरी आवाम थी इम्तियाजी सलूक कर रहा है। महबूबा मुफ्ती सुन आख्या है कि भारत के वास्ते बिजली जम्मू कश्मीर दी जाती है और यही बिजली मोदी हुकूमत दुई भारतीय रियासतों में मुफ्त देने का मनसूबा बना रही है। अलबत् मकबूजा जम्मू कश्मीर से हासिल होने वाली बिजली कश्मीरी आवाम कोई शदीद सर्दी थी बचने के वास्ते हीटर इस्तेमाल न करने के अहकाम जारी किए हैं। भारतीय रियासत गुजरात 2002 दे मुस्लिम कुश फसादात का एक मुजरम मनोज ककरानी अपनी बेटी पायल ककरानी दे इंतखाबी मुहिम चला रहा है, जिड़ी BJP दे टिकट दे उत्ते इंतखाब लड़ रही है। उम्र कैद की सजा पाने वाला मनोज ककरानी 2016 में जमानत के उत्ते रिहा किया गया था। इससे पहला चंद्र सिंह रावल को गोदरा की निशस्त वास्ते BJP का टिकट जारी किया गया था, जिस सुन बल्कीस बानो इजमाई अबरूरेजी और उसके घरवालों के कत्ल के मुकदमे के मुजरमा को मुअज्जब ब्राह्मण करार दिता था और वह गुजरात हुकूमत की कमेटी का हिस्सा से, जिस सुन उम्र कैद की सजा पाने वाले इन मुजरमा की रिहाई की मंजूरी दी। बदनाम जमाना भारतीय खुफिया इदारे के एक अफसर साक ने खटक उड़ीसा सुन दारुल हुकूमत नई दिल्ली लोधी कॉलोनी वाकया इदारे की 10वीं मंजिल थी छाल मार के खुदकुशी कर लिया। जराए के मुताबिक मजकूरा अफसर सुन सख्त हिसाबी तनाव की वजह से इंतहाई कदम चाया आसा।